हम भाजपा के कारनामे बताएंगे और यहाँ विकास करेंगे, जो आज तक यहाँ 19 यानी कि 91 से यहाँ भाजपा के सांसद बनते आए हैं। अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 91 का उल्टा होता है 19। 2019 में यह इतिहास रचा जाएगा और महागठबंधन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी साहब, उन्होंने मुझे यहाँ मैदान में जनता की सेवा करने के लिए उतारा है और मैं यहाँ लोगों के दिलों में घर बनाऊंगा, लोगों के दिलों में अपने प्रति चाहत पैदा करूंगा और लोगों के दिलों पर राज करूंगा। इस तरीके से विकास करूंगा कि जो यहाँ सांसद जो यहाँ हैं, जो एक भी गांव में नहीं गए हैं और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, मैं यहाँ सर्व समाज में हर आदमी को साथ लेकर, हर व्यक्ति को साथ लेकर मैं यहाँ विकास करूँगा और ज़बरदस्त विकास होगा। और यहाँ जो इन्होंने 5 सालों में जो कारनामे किए हैं, 5 सालों के जो कारनामे वो जनता को बताया जाएगा। मैं तो ये कहूँगा, अब जुमला नहीं, विकास चाहिए और 5 साल का हिसाब चाहिए। अपने जरा 5 चुनावी मुद्दे बता दीजिए जिन्हें लेकर आप चुनावी मैदान में। चुनावी मुद्दे 5 नहीं है, अनेक हैं। यहाँ हस्तनापुर को बुलंद, इसे यहाँ पे जो है बुलंदशहर को हस्तनापुर की तरह बुलंद करना है यहाँ बुलंद, क्योंकि 5 मुद्दे नहीं है यहाँ तो तमाम। यहाँ कुछ बता दीजिए, यहाँ डिग्री कॉलेज खुलेगा, यहाँ रेलवे लाइन का भी मामला है जो आज तक नहीं किसी ने किया है, उसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा। और बहुत सारे हम तो अपना घोषणा पत्र हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश जी और क्या नाम है यहाँ जो अजय सिंह जी हैं और चौधरी जैन सिंह जी, वो सब हर लोकसभा के मुद्दे जो है आपको आपको पेश किया जाएंगे। बहुत सारे भी गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी हो, जो तमाम पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, वो आखिर भाजपा को हटाने की बात ही क्यों करती है? विकास के मुद्दे को लेकर क्यों चुनावी मैदान में? इन्होंने विकास नहीं किया, विकास जब हट जाएंगे विकास भी होगा। अभी तो इनको हटाना है, जब लोगों को जीएसटी नोटबंदी, लोगों का खून पी गए ये लोग, भाई को भाई से लड़ा दिया इन लोगों ने, जो है इतना जुल्म जाति की है कि ये ऑटोमेटिक ही जनता ने इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का यानी सफाया करने का प्रण किया है। मैं मेरठ में, मेरी पत्नी मेयर है, मेरठ से भाजपा का सफाया करके आया और यहाँ भी सब लोगों को गठबंधन को साथ लेकर यहाँ सफाया करना है भाजपा का और यहाँ जो है गठबंधन का जो राज होगा, सब लोगों का राज होगा, भाईचारा बनेगा, सबको साथ लेगा, साथ चले। आपके गठबंधन में जो लोग हैं, आपको ये बताया जा रहा है आप बाहर के प्रत्याशी हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मंडल की एक सीट है, ये मंडल की एक सीट है। अब मंडल में एक रिजर्व होती है, मंडल से पूरे मंडल से एक आदमी चुनाव लड़ता है। ये अगर हाँ हर जिले में रिजर्व सीट होती तो बाहर का कहा जा सकता था, जब एक मंडल में 5 ये सीटें हैं। बाकी जो पार्टियां हैं जिनसे गठबंधन है, कैसा प्यार मिल रहा है कार्यकर्ताओं से आपको? जबरदस्त, उन लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे पूरे जो क्षेत्र में वो अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया है और सब लोग मेरे साथ हैं, आप देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।